नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल में एजुकेशन जॉन प्लस में। दोस्तों, जो मेरा आज का ये लेक्चर है वो फिजिक्स पे बेस्ड है कि 50 50 मार्क्स फिजिक्स के क्वेश्चन आते हैं। तो मेरे कमेंट बॉक्स में मैसेज आया मोहम्मद फरमान राजपूत का कि वो 2015 के फिजिक्स के हम सोल्यूशन विद पेपर के साथ डाल दूँ। और दोस्तों, उससे पहले मैंने मेरे जो दूसरे सब्सक्राइबर हैं उनके लिए भी डाल रहा हूँ। तो मैंने फर्स्ट वर्ड आपके लिए बायो का बना दिया है, तो मैं सेकंड अभी फिजिक्स पर बना रहा हूँ, फिर मैं थर्ड केमिस्ट्री बनाऊँगा। तो चलो दोस्तों, चलते हैं। तो मैंने आपको ये बता दिया बायो। नेक्स्ट हमारे पास आया है, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, फिजिक्स। व्हाट इज द फिजिक्स दोस्तों? सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, होमी जहांगीर बाबा कंट्रीब्यूटेड ए फील्ड ऑफ कॉस्मिक रेज। ठीक है, नेक्स्ट है द रेंज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेज की रेंज कितनी होती है? तो इन्फिनाइट, जिनकी कोई सीमा ही नहीं है, इन्फिनिट का मैसेज लिख सकते हैं। और फिजिक्स क्वांटिटी विच इज रिलेटेड टू फोर ऑब्जर्वेशन ए बी सी डी एंड पी, ए का क्यूब, बी का स्क्वायर एंड सी डी द परसेंटेज ऑफ एरर ए बी सी डी 1%, 3%, 4% एंड 2% द परसेंटेज एरर इन पी। कितना परसेंटेज एरर पी का है? तो ये है हमारे पास 13%। क्यों? क्योंकि एरर इज ऑलवेज एडिटिव इन नेचर। तो एक लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है, अ कार मूविंग इन अ वेलोसिटी हम बी से नोट करते हैं 120 किलोमीटर अबाउट टू स्टॉप विद इन अ डिस्टेंस 200 मीटर, द टाइम टेकन इज 11.4 सेकंड। ये आपका न्यूमेरिकल्स है। नेक्स्ट हमारे पास है, क्रिकेट बॉल इज थ्रोन एट स्पीड 28 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, क्रिकेट बॉल इन द डायरेक्शन ऑफ 30 मीटर अबव द हॉरिजॉन्टल प्लेन, द टाइम टेक टू रिटर्न द सेम लेवल 2.9 सेकंड। ठीक है, क्या 2.9 सेकंड। अगर नेक्स्ट हमारे पास है अबुलेट ऑफ मास 0.4 केजी मूविंग विद द स्पीड ऑफ 90 मीटर पर सेकंड एंटर इन द हैवी बोट ब्लॉक इज स्टॉप्ड आफ्टर 60 सेंटीमीटर, कितना 60 सेंटीमीटर, एवरेज डिस्टेंस फोर्स एक्टेड बाय ब्लॉक इज 270 न्यूटन। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है, इसमें से कौन सी ट्रू है? तो इसमें है ट्रू, हमारे पास कंजर्वेटिव फोर्स होती है वो डज नॉट वर्क इन अ क्लोज पाथ कभी वर्क नहीं करती है। एंड एलिवेटर, नेक्स्ट हमारे पास है एन एलिवेटर विच कैन कैरी मैक्सिमम लोड ऑफ 18 किलो केजी इन मूविंग अप विद कॉन्स्टेंट स्पीड 2 मीटर पर सेकंड, द फ्रैक्शन फोर्स इज 4000 न्यूटन, जो मैक्सिमम पावर डिलीवर्ड बाय मोटर कितनी होगी? 59 HP। कितना? 59 HP होगी हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सर्कुलर डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारे पास रेडियस आर है, अबाउट पूरा डायमीटर है ये, इसका हाफ रेडियस है, तो इसका एम आर स्क्वायर अपॉन 4। ठीक है, नेक्स्ट द टाइम पीरियड ऑफ मून रेवोल्यूशन, कितनी मून रेवोल्यूशन डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ एज 277 डेज एंड 3.8 रेस्पेक्टिवली, मास ऑफ अर्थ कितना होता है? 6.202 होता है, 10^24 होता है, आपको पता है ये। और सोलिड, एक सॉलिड स्फीयर है, क्या है? सॉलिड स्फीयर। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ कि एक सॉलिड स्फीयर है जिसका रेडियस आर है एंड रोल्ड ऑन इंक्लाइंड प्लेन एज मैक्सिमम हाइट, उसकी हाइट एच है, जो मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी होगी बॉटम से लेकर टॉप तक? तो इसमें हमारे पास है 10^√10^GH.7। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं, एक्सप्रेस वेलोसिटी क्या होती है? द मिनिमम वेलोसिटी, कितनी मिनिमम वेलोसिटी से आप एक ऑब्जेक्ट ऑफ बॉडी को फेंकेंगे तो वो वहीं जाके राउंड कर सर्कुलर मोशन में हो जाएगी, पर जब आप एक बॉडी को मैक्सिमम स्पीड से फेंकोगे तो वो जो मैक्सिमम वेलोसिटी फेंकोगे तो वो बॉडी वहां से बहुत दूर चली जाएगी। इसीलिए एक्सप्रेस वेलोसिटी ऑन सरफेस ऑफ अर्थ तो 40320 किलोमीटर पर हा। नेक्स्ट फोर्स एग्जर्टेड बाय 3000 न्यूटन कॉलम ऑफ वाटर इन द वाटर लेयर इज कॉल्ड 3/10^7 न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, बल्क मॉडुलस ऑफ सॉलिड इन द ऑर्डर ऑफ GPA, क्या है? व्हाट इज GPA? ठीक है, द इंक्रीज प्रेशर टेस्ट स्विमर 10 मीटर बिलो सरफेस इज लाइक 100%। ठीक है, डेनियल बिनोनी वर्क एट बेसली स्विट्जरलैंड में एज अ प्रोफेशन ऑफ, इट इज प्रोफेशन ऑफ एंड एनाटॉमी एंड बॉटनी। नेक्स्ट हमारे पास है, विंटोनीमीटर इज यूज टू मेजर, विंटोनीमीटर क्या मेजर करता है? फ्लो स्पीड करता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है, पेन फिल्ड विद हॉट फूड कूल्स फॉर 94 डिग्री सेल्सियस इन 2 मिनट्स, वेल टेम्परेचर विद 20 डिग्री सेल्सियस कूल्स फ्रॉम 71 डिग्री सेल्सियस टू 69 डिग्री सेल्सियस, तो इसका हमें ले सकते हैं 42 सेकंड्स। ठीक है, ये मैंने आप 60 सेकंड लगाया वो रॉन्ग है। ठीक है, फॉलोइंग इज द ट्रू विद रिगार्ड टू थर्मोकनेक्टिविटी, तो इसका कॉपर मैक्री एंड ये इज लेस देन है। नेक्स्ट हमारे पास है, एडियाबेटिक प्रेशर इज कैरेक्टराइज्ड बाय पीवी इज अ कांस्टेंट, क्या होता है? पीवी कांस्टेंट होता है हमारे पास। और नेक्स्ट हमारे पास है, 900 पीवीआर कैपेसिटर इज चार्ज बाय द 100 वॉट बैटरी, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ 4.9 मीटर बाय 10^6 जूल। ठीक है, इलेक्ट्रिक कांस्टेंट हैज अ डायमेंशन ऑफ नन, इसकी डायमेंशन नहीं होती है,
मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ करंट कैरिंग अ लूप हैविंग अ करंट आई एंड एरिया ए होता है तो वह ए वन आई ए ठीक है आई ए गिवन आर इज इक्वल टू पी पी मतलब डेंसिटी एल अपॉन ए एंड ए इज डबल एल इज मेन सेम द पी विल बी सेम पी क्या रहेगा सेम रहेगा नेक्स्ट ये जो क्वेश्चन मैंने कहा आपको और नेक्स्ट कि मास ब्रिज इज यूज टू मेजर मास भी क्या मेजर करता है रेजिस्टेंस मेजर करता है नेक्स्ट है मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी ऑन सरफेस ऑफ न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन स्टार इज द ऑर्डर ऑफ 10 की पावर 8 टेस्ला ठीक है इफ द करंट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग द क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर देन मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द वायर वेरीज आर ठीक है नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है ये क्यूरी कॉन्स्टेंट्स इज रिलेटेड टू पैरामैग्नेटिज्म एसी जनरेटर जो होता है इन्वेंटेड बाय किस एसी जनरेटर किसने किया था तो हमारे पास एक जनरेटर है निकोला टेस्ला में किसे निकोला टेस्ला ने किया था और ये आप थोड़े न्यूमेरिकल्स आप देख सकते हैं ये एक मेन क्वेश्चन है हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनालॉग है पोटेंशियल एनर्जी को हम ई के से नोट करते हैं और पी ई से भी नोट कर देते हैं ना ए के ई से हम कैनेटिक एनर्जी को नोट करते हैं तो इसका एल क्यू क्यू स्क्वायर और टू सी ठीक है नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है द कोर इन द ट्रांसफॉर्म इज लैमिनेटेड टू प्रोड्यूस द एडी करंट्स क्या कौन सा एडी करंट्स और नेक्स्ट हमारे पास है The correct order of refracting the glass for the violet, yellow, red, the violet, yellow, red, ठीक है Largest refracting hotel इसको वर्ड में कौन सा US है किसका है US मैं आपको एक लास्ट क्वेश्चन है Rydberg constant तो Rydberg constant हमारे पास क्लास प्लस वन की बुक में है आपके पास आप देख सकते हैं नेक्स्ट हमारा फ्रैंक हर्स्ट एक्सपेरिमेंट इज अबाउट डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स के डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स के ऊपर है और नेक्स्ट हमारे पास है तो पूर्णिमा ध्रुवा एंड कामिनी आर द रिएक्टर कौन ही रिएक्टर्स हैं रिएक्टिफायर डिवाइस टू यूज कन्वर्ट ए सी टू डी सी डायरेक्ट करंट ठीक है